ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप अनंत का दोस्त और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे के लिए यानी कि 30 मई के लिए चार लो प्राइस इंट्राडे स्टॉक्स को लेके। तो पहले बात तो ये है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है यानी कि स्टॉक्स का जो CEP होता है उसके बाई साइड में इंट्राडे में काम करते हैं। लास्ट दिन का परफॉर्मेंस मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया यहाँ पर। लाइव मार्केट में मैं गाइड करता हूँ किस रेट पर बाई करना है, कहाँ पर छोड़ना है, प्रॉफिट बुक करना है, सारी चीज़ें व्हाट्सएप में मैसेज भेजता हूँ लाइव मार्केट में ताकि उसको देख के आप खुद से ट्रेड ले पाए। तो पूरा ये लाइव मार्केट सपोर्ट एक वहाँ पर सर्विस होता है और वहाँ पर जो चीज़ें मैं देता हूँ सारी चीज़ें लाइव मार्केट में आता है। छोटा सा फीस है इसका 799 पर मंथ का। तो अगर आपको सही लगे और आपको लगे अब बेनिफिट आपको मिलेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते हैं आज के वीडियो के ऊपर और मंडे के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मंडे के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा वो एक फार्मा सेक्टर स्टॉक बायोकॉन के ऊपर रहेगा। और बायोकॉन के अंदर हम लोग अगर पूरा चार्ट देखते कंसोलिडेट एरिया पे है और यहाँ पर एक राउंड शेप बना है जिसका क्लियर मतलब है ये ऊपर की तरफ काटने वाला है और हो सकता है कि हम लोग एक दो सेशन में इसको इस एरिया को 346 को भी काट जाए। लेकिन पहले हम लोग को इस एरिया को ब्रेक करना है यानी कि 336। तो 336 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से उसको हम लोग मंडे को बाई करेंगे। और बाई चांस अगर नीचे चले आते हैं मार्केट फॉल होता है तो ये एरिया अगर ब्रीच करते हैं 329 का, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वहाँ पर लास्ट 50 डेज का 100 डेज का बना के रखा हुआ है, वो एक सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं वहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। मैं चार्ट खोल के आपके सामने एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा व्यू शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। चल पड़ते हम लोग सेकेंड व्यू में। और सेकेंड व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है यार। ये ट्यूसडे को रहेगा इसका नेक्स्ट बैच यानी कि जो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मेनली हम लोग जो चीज़ सीखते हैं एक पूरा सेटअप, एक दिन का ही सेशन रहता है एक घंटे का शाम को 8:30 से 9:30 का। और वहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, वहाँ पर हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है। वहाँ पर पूरा एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी सेटअप इंट्राडे के लिए मैं सिखाता हूँ, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, पूरा चीज़ें फिर वहाँ पर टाइम फ्रेम के साथ चार्ट पे मैं सिखाता हूँ और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा लाइव सेशन के बाद। तो ये एक पूरा मास्टर ट्रेडिंग एक सेटअप है जिसको यूज़ करके आप महीने में बहुत कमा सकते हैं। इसका एक्यूरेसी मैंने जो बैक टेस्ट किया मैं खुद भी इसके ऊपर काम करता हूँ 70-75% का है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर 100% बोल के चला देते हैं लेकिन 70% भी अगर आपका एक्यूरेसी होता है इसके अंदर जिस तरह से हम लोग काम करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ हम लोग बहुत कमा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मनी मैनेजमेंट ऐसे हम लोग करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ऐसे हम लोग रखते हैं। तो इसको सीख लीजिए अगर आपको सही लगे। 399 एक ही छोटा सा फीस, इससे ज़्यादा ब्रोकरेज आप देखते देते हैं एक ट्रेड में, तो देख सकते हैं अगर सीखने के बाद आपका ट्रेडिंग पैटर्न चेंजेस होता है तो उसके लिए आप व्हाट्सअप करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। सेकंड व्यू में चल पड़ते हैं और मंडे के लिए सेकंड जो व्यू रहेगा बैंकिंग सेक्टर स्टॉक बंधन बैंक के ऊपर रहेगा। बंधन बैंक के ऊपर हम लोगों ने देखा शार्प अपसाइड मूवमेंट, तो आप ये थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं नीचे की तरफ लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा नीचे आएगा। अगर इसको ऊपर काटना है तो नेक्स्ट सेशन में कुछ टाइम यहाँ पर टाइम बिता के ही ऊपर कट जाएगा। तो फिर 326 के ऊपर अगर चले जाते और एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं बंधन बैंक को वहाँ से बाय करेंगे। और 319 के नीचे अगर बाई चांस आ जाते हैं और एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं वहाँ से इसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। थर्ड व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पर देखिए मेरा कैश सेगमेंट के ऊपर जो मैं स्टॉक्स के ऊपर काम करवाता हूँ लाइव मार्केट में, एक अलग से स्टॉक बताता हूँ व्हाट्सअप में, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेरे से सपोर्ट लगे कैसे वहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं। वो सारी चीज़ें लाइव मार्केट में मैं देता हूँ, एक प्राइस वहाँ पर कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बहुत अच्छे काम हो रहा है, लास्ट दिन भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया हम लोगों ने। तो निफ्टी ऑप्शन के ऊपर इंट्राडे में बाई साइड में
वहाँ पर मैं व्यू देता हूँ लेवल्स के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, तो इसका अंदर 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। तो अगर आपको सही लगे व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चल पड़ते हैं अब हम लोग का थर्ड व्यू में। तो थर्ड जो व्यू रहेगा वो आईटी सेक्टर स्टॉक विप्रो के ऊपर रहेगा। विप्रो के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर वैसे ही बहुत दिनों से फॉल आ रहा था, अभी थोड़ा ये इसको काट के यहाँ पर आप देखिए ये एरिया को ब्रीच किया था। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में एक बार दिखाया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट किया, अब लास्ट दिन इसको ब्रेक करके ऊपर निकला। तो जिस तरह से कारोबार हो रहा है मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसका रिट्रेसमेंट भी कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अब देखिए ये एरिया 62% यानी कि 475 तक जा ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 470 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देगा वहाँ से उसको हम लोग बाय करेंगे, और 463 के नीचे अगर चले जाते हैं दोबारा उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। कैश का लेवल है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। फोर्थ एंड फाइनल व्यू में जाने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाइए, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100। मैं डेली बेसिस आप लोगों को हेल्पिंग पर्पज यहाँ पर आता हूँ, और आज मैं जब ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज सैटरडे है, मॉर्निंग को कर रहा हूँ अब 11 बजे के आसपास, तो आज रात को यानी कि 8 बजे को मैं एक लाइव आने वाला हूँ, 8:30 बजे मैं अपडेट दे दूंगा, 8 से 8:30 बजे के बीच लाइव आने वाला हूँ। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर बात करेंगे, आप जो भी स्टॉक बताएंगे मैं चार्ट खोल के उसको एनालाइज करूँगा, ऐसे कोई नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव आके मैं करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको व्यू चाहिए, मैं कमेंट वहाँ पर रीड करके आप लोगों को वहाँ पर बताऊँगा चीज़ों को, ठीक है। तो कोशिश करूँगा वो चीज़ें, और लाइव 8 से 8:30 बजे के बीच में आऊँगा, तो वहाँ पर ज़रूर आप पार्टिसिपेट करेंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चल पड़ते हैं फोर्थ एंड फाइनल व्यू में, और वो रहेगा टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक भारती एयरटेल के ऊपर। और भारती के ऊपर हम लोगों ने देखा कुछ ही दिनों से कंसोलिडेशन, एक ही जगह पर कारोबार हो रहा है, तो बढ़िया है। अगर अपर साइड को ब्रेक करते बाई करेंगे, लोअर साइड को ब्रेक करते सेल करेंगे, 688 को ब्रेक करके एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा बाई कर लेंगे, और 680 के नीचे अगर चले जाते हैं एक भी 15 मिनट का कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है वहाँ से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। कैश का लेवल दोनों स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ, अपने प्रीवियस कैपिटल को देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। एंड स्क्रीन में मेरा जो लाइव सेशन है उसका लिंक मैंने जोड़ रहा हूँ, और मेरा जो बाजार इनसाइड शॉर्ट्स है, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो, छोटा छोटा एक मिनट का वीडियो है, जाके देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।